नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप 66वीं बीपीएससी में सफल हों। जो लोग 65वीं का इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें उसमें सफलता मिले, आप लोगों की मेहनत रंग लाए। आज हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो 67वीं में अपियर होने वाले हैं या अन्य पीसीएस में भी, जैसे यूपी पीसीएस है या कोई और परीक्षा में भी प्रवेश लेने वाले हैं, उसकी तैयारी करने वाले हैं। तो हम उनके लिए कुछ बातें लेकर आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आज आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर 66वीं मेंस दे रहे हैं तो मॉडल आंसर भी दिए गए हैं, उन्हें देखिएगा। इंटरव्यू के भी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी 67th एग्जाम की, जो संभावित है कि अक्टूबर में होगा, क्योंकि हमने 66वीं मेंस के लिए भी सोचा था कि जैसे यूपीएससी और इन सब की एग्जाम टले हैं, शायद बिहार का भी एग्जाम सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न्यूज़पेपर में अगस्त की डेट न्यूज़पेपर में दी हुई थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ। अगर न्यूज़पेपर की भी बात को खारिज करके एग्जाम 29 जुलाई से ले लिया गया, तो अब ये मान के चलिए कि अब आपका एग्जाम अक्टूबर में 66th बीपीएससी प्री का एग्जाम मुझे लगता है कि हो जाएगा। और चूंकि अभी से अगर जोड़ते हैं, अब जुलाई चल रहा है, आज 10 जुलाई हो गया, तो 10 जुलाई से जुलाई में 20 दिन बाकी हैं, बाकी अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में किस डेट में होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लगभग 3 महीने मानकर चलिए, अगस्त सितंबर और अक्टूबर के कुछ दिन, जुलाई के कुछ दिन, 3 महीने में 12 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं? 12 सप्ताह, 3 महीने। तो आप अपनी स्ट्रेटजी 3 महीने के हिसाब से बनाएं, आज से ही लगें। तो आप कभी तैयारी किस तरह से करें, हम इस पर बात करते हैं। आप लोग तैयारी पहले से कर रहे होंगे, लेकिन इन 3 महीनों में आपको क्या क्या करना है, हम उस पर बात करेंगे। तो हम मेन 3 चीज देखेंगे जो आपके प्री में आता है, जीएस, करेंट और बिहार स्पेशल। ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिससे आपके प्री का पेपर कंप्लीट होता है। जीएस में आपको पढ़ना है हिस्ट्री, साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और मैथ रीजनिंग के 10 सवाल पूछे जाते हैं। इन्हें हमने प्रायोरिटी बेस ही लिखा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं हिस्ट्री से, उसके बाद साइंस से, फिर पॉलिटी ज्योग्राफी के लगभग बराबर रहते हैं, इकोनॉमी कुछ करेंट से रिलेटेड रहती है, कुछ ट्रेडिशनल होता है। तो इन सब में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर हम बात करेंगे। आप जैसी तैयारी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, तब आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने आप में संतुष्ट हैं तो आप अपनी तैयारी करिए, अपने तरीके से करिए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, इवन हमारी में भी नहीं। आप अपनी तैयारी अपने तरीके से कर सकते हैं। हिस्ट्री में 3 पोर्शन हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, आधुनिक इतिहास का। प्राचीन इतिहास में बहुत हद तक तो बिहार स्पेशल में ही आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मौर्य काल है और शुरू की मगध जो डायनेस्टी है, ये सब है, ये सब कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो प्राचीन तो बिहार में भी कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन में अगर आपने अभी तक तैयार किया है तो
इस पर विशेष ध्यान दें, अगर नहीं किया है तो इसे आप प्रैक्टिस सेट में ही लगा लें, ज्यादा इस पर टाइम ना दें। अधिक टाइम आपको देना है आधुनिक भारत पर, और आधुनिक भारत आपका प्री के साथ साथ मेंस का भी टॉपिक है। तो स्ट्रेटजी का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप प्री अलग, मेंस अलग, इंटरव्यू अलग लेके कभी ना चलें। प्री, मेंस, इंटरव्यू सब एक साथ तैयारी होती है। तो आधुनिक भारत जब आप पढ़ें, हम एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं, आधुनिक भारत से, ऐसे करंट से आते हैं, लेकिन करंट तो हमने अलग लिख रखा है, जीएस की बात कर रहे हैं। इससे प्री और मेंस दोनों में प्रश्न आते हैं। तो आप आधुनिक भारत में क्या करिएगा कि आधुनिक भारत में आपको जो बुक पढ़नी है, एक तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ये तीनों की आती हैं, तीनों की पढ़ सकते हैं आप। अगर सिर्फ आधुनिक पढ़ना है अभी तो आधुनिक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम की बुक है आधुनिक भारत, ये काफी अच्छी बुक मानी जाती है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इनके साथ साथ आपको एक काम करना है, घटना चक्र का, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता जिसमें सभी स्टेट पीसीएस के और अन्य एग्जाम्स, सभी स्टेट पीसीएस के और आईएएस के सभी के क्वेश्चन बैंक का रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं। आप इसको हिस्ट्री को, इसमें घटना चक्र में आप प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों को लगाइएगा, ये इतना बहुत आवश्यक है, मस्ट है, मस्ट, ये आप जरूर करिएगा। और किताबें और भी अच्छी हैं, किताबें कोई भी बुरी नहीं होती, आप दृष्टि की भी पढ़ सकते हैं, या आपने अगर एस के पांडे पढ़ रखा है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अधिक अच्छी यही दो किताब हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कि इनको पढ़ना कैसे है। हमने प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पर बात की, अगर आपने ये दोनों तैयार किए हैं पहले से तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो सिर्फ घटना चक्र के पूर्वावलोकन में जितने इनके प्रश्न हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, लेकिन आधुनिक भारत को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो आधुनिक भारत के लिए एनसीईआरटी, हमें आशा है आप पढ़ चुके होंगे पहले से, स्पेक्ट्रम से तैयार कीजिए और पूर्वावलोकन लगाइए। लेकिन इसे कैसे पढ़ना है, इस स्पेक्ट्रम और ये एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ली, स्पेक्ट्रम जब आप पढ़िएगा या आप कोई जो भी बुक पढ़ रहे हैं, एस के पांडे वगैरह जो भी, तो इसमें आपको क्या करना है, प्री के लिए जो फैक्ट है वो आपको अंडरलाइन करना ही है, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप मेंस से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको भी नोट करिए, मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको भी अवश्य नोट करते चलिए एक कॉपी में। जैसे अगर आप उसमें देखते हैं राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद क्या है लिख लीजिए, कैसे उसका विकास हुआ थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, ये आप जरूर लिखिएगा मेंस के लिए। अभी टाइम है, 3 महीना बहुत होते हैं, अभी 1 महीने में शुरुआत में थोड़ा बहुत पढ़िए, साथ साथ मेंस के लिए कम से कम, अगर आपको नोट डाउन करने का एकदम टाइम नहीं है, आप जॉब में हैं, किसी चीज़ में हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप वहाँ पे कॉलम बना के लिख दीजिए मेंस के लिए। तो जब आप पीटी से फ्री होंगे तो आप उसे पढ़ पाएंगे, उसको नोट डाउन कर पाएंगे, इतना जरूर करिएगा, और टाइम है तो लिखिएगा। ये आपका हुआ हिस्ट्री का, आपको क्या क्या करना है, तीनों पोर्शन है जिसमें आधुनिक पर ज्यादा जोर देना है, आधुनिक प्री और मेंस दोनों में आता है, एनसीईआरटी पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगाना है। बहुत लोग आपको सलाह देते होंगे लूसेंट की, इसमें वन लाइनर आप कोई भी पढ़ सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, और अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो मैं इतना ज्यादा जोर आपको लूसेंट पढ़ने पर पर्सनली नहीं देना चाहती। अगर आपको लगता है कि आपने नोट्स नहीं बना पाए हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपको वन लाइनर से रिवीजन करना है, तो आप लूसेंट या क्राउन या जो भी ऐसी वन लाइनर बुक है, सब एक जैसी ही है, आप उन्हें देख सकते हैं। वरना इस पे ज्यादा मेहनत करने की बजाय आप इस पे मेहनत करें पूर्वावलोकन पर। लेकिन पूर्वावलोकन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है,
इसमें आपको क्या करना है, जब भी किसी भी सब्जेक्ट का जब आप पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप पढ़ेंगे, तो इसमें आपको ध्यान देना है क्या कि जो चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें ए बी सी डी, ये जो चार ऑप्शन है मान लो ए आंसर उसका सही है तो सही वाला तो सही है ही आपने पढ़ लिया, लेकिन बी सी डी जो गलत है इनके इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। नीचे घटना चक्र में एक बॉक्स दिया रहता है उसमें इसका ब्यौरा लिखा रहता है, यदि आप संतुष्ट हैं इन तीनों आंसर से इसमें तो ठीक है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसे आप बुक से किसी भी बुक से देखें और जानें कि इन तीनों का सही उत्तर क्या होगा। ये जो गलत आंसर दिए हैं इनका ये क्या है, इनके बारे में अगर आप परिचित नहीं है तो इन्हें जानने का जरूर प्रयास करें। अगर नीचे बॉक्स में दिया है तो बॉक्स पढ़ के आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो इसे अपने अलग सोर्स से जरूर पढ़ें। घटना चक्र में ये न सिर्फ आपको हिस्ट्री के लिए बल्कि सभी सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र को इसी तरह पढ़ना है, तो हमें आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। अब हम बात करते हैं साइंस पर। एक चीज और बता देती हूँ, कुछ भी तैयारी करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं बुक्स, प्लस आप वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ वीडियो से तैयारी नहीं हो सकती, बुक्स जरूरी है, सिर्फ बुक्स से तैयारी हो जाएगी लेकिन सिर्फ वीडियो से तैयारी नहीं होगी। कोई भी ये दावा करे कि केवल हमारे वीडियो देखिए या केवल इस चैनल को देखिए आप सफल हो जाएंगे, कुछ टॉपिक्स पर उस चैनल से आप सफल हो सकते हैं कुछ टॉपिक्स पर, लेकिन संपूर्ण सफलता आपको सिर्फ वीडियो देखने से कभी नहीं मिलेगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ चीज समझाने में हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि बिना बुक्स पढ़े आप कहीं कोचिंग भी ले लें तब भी आप सफल नहीं होंगे अगर आप किताबें नहीं पढ़ते तो किताबें पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। आप कहीं कोचिंग कर लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए, फिर भी आप किताबें तो पढ़िएगा ही, सही समझ किताबों से ही बनती है। आप कोई भी एक बुक फॉलो करिए उसी को पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बुक्स के साथ साथ आप वीडियो देखकर अपना समझ विकसित कर सकते हैं, याद करने में ये आपका हेल्प करता है, क्योंकि बुक्स से जब हम पढ़े हुए होते हैं तब हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो की चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, दूसरा जब हम सामने विजुअल देखते हैं चीजों को सामने देखते हैं चित्र के रूप में तो वो ज्यादा दिनों तक हमारे दिमाग पर रहती हैं। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं और जब कोई कहानी देखते हैं तो हमें जो देखी हुई रहती है वो ज्यादा याद रहती है। फिल्में हमें क्यों याद रह जाती, क्योंकि हमने देखी हुई होती है, इसलिए इन्हें देखिए लेकिन बिना बुक के नहीं, बुक पहले पढ़िए फिर वीडियो देखिए। हम बात करते हैं साइंस पर। साइंस के लिए भी तीन पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों का घटना चक्र लगाइए, घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन, लेकिन ये दोनों आपके इससे काम चल जाएगा। पढ़ना तो अगर आपने पढ़ रखा तब तो ठीक है, अभी के लिए कह रही हूं अब जब कम समय बचा है तो घटना चक्र से आप इन दोनों को कवर कर सकते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए घटना चक्र तो आपको इसके लिए भी पढ़ना है, इसके लिए लूसेंट भी पढ़ सकते हैं आप या वर्णवाल भी पढ़ सकते हैं, वर्णवाल भी पढ़ सकते हैं, वर्णवाल की सीरीज आती है एनसीईआरटी सार करके, इसे भी पढ़ सकते हैं या इसे एक को, दोनों नहीं लेना, या लूसेंट के लिए उनसे बायोलॉजी पढ़ लीजिए
या वर्णवाल से पढ़ लीजिए, और अगर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, वो तो सबसे अच्छी है, वो ऑथेंटिक सोर्स है। लेकिन समझने के लिए अगर दिक्कत होती है तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, और घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगा के आप इन तीनों को कवर कीजिए, ये दोनों आपकी घटना चक्र से काम चल जाएगा। अभी जब 3 महीने बचे हैं तब अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो पूरा कीजिए। अगर आप 68वीं में अपियर होने वाले हैं, अभी नए नए आए हैं तैयारी में, तो भी आप पूरी किताबें पढ़िएगा, फिर आप इन सबको केवल घटना चक्र से काम मत चलाइएगा। हम बात करते हैं पॉलिटी पर। ऐसे तो पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है एम लक्ष्मी का, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए हम परीक्षा वाणी की बुक प्रेफर करेंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए आप इसे ज्यादा महत्व दें बजाय इसके। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एम लक्ष्मीकांत बुक अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए इस बुक में उतना अच्छा, एम लक्ष्मीकांत में बुक अच्छी है एम लक्ष्मीकांत, लेकिन हिंदी मीडियम के साथ क्या है कि ये उतना अच्छा, इसका जो लैंग्वेज है ना वो उतना अच्छा नहीं है, कहीं कहीं मिस्टेक भी है। और परीक्षा वाणी बहुत सरल भाषा में है, परीक्षा वाणी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आप पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटी के लिए मैं भी वीडियो डाल रही हूं, अभी मूल अधिकार चल रहे हैं मेरे, वीडियो में मूल अधिकार है, 15 दिन के लिए मैंने इसे स्टॉप किया है, क्योंकि अभी 66वीं मेंस के ओरिएंटेड वीडियो पे अधिक ध्यान दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसे स्टॉप किया, पर 15 दिन बाद आपको ये वीडियो रेगुलर वे में मिलने लगेंगे। तो आप पॉलिटी के वीडियो विस्तार से समझने के लिए, प्री और मेंस के लिए विस्तार से समझा रही हूँ, आप उन्हें देखिएगा। डेमो के लिए आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपका पॉलिटी हो गया, और वो घटना चक्र का पूर्वावलोकन तो आपको पढ़ना ही है, यहाँ कोई इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, अभी से मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आपको पढ़ना है। अब हम ज्योग्राफी पर बात करते हैं। ज्योग्राफी में देखिएगा कि ज्योग्राफी में बिहार में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, 10-12 प्रश्न ही पूछते हैं, जिसमें अधिक महत्वपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी है। वर्ल्ड से भी आते हैं, इसमें आप मेन एक तो ये तो आपको लगाना ही है घटना चक्र, इसका तो कोई विकल्प नहीं है इसमें, और आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि की पढ़िए, दृष्टि की बुक आती है क्विक बुक करके, अच्छी है, ठीक ठाक समझाया गया है, अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा बुक इसमें मत पढ़िए। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है इसमें एटलस, अधिक से अधिक आप एटलस पर ध्यान दीजिए, एटलस को अच्छे से करेंगे। अगर आप कोई जैसे आपने अगर भारत देखना है तो भारत की स्थिति देखिए, ये श्रीलंका है, यहाँ कौन सी जलसंधि है, यहाँ पे कौन से द्वीप हैं, यहाँ कौन से द्वीप हैं, किसकी सीमाएं किससे लगती हैं, या आप कोई भी जैसे आप भूमध्य सागर देख रहे हैं तो उसके आसपास कौन से देश हैं, अगर आप काला सागर देख रहे हैं तो उसकी सीमाएं किससे लगती हैं, भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है, और कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, भारत के किन राज्यों से गुजरती है, ये सब आप एटलस से देखिएगा, और दृष्टि की क्विक बुक आप पढ़ सकते हैं, ये अच्छी बुक है। बाकी घटना चक्र लगाना है पूर्वावलोकन आपको। इकोनॉमी में आपको पढ़ना है, एक तो बजट पढ़ना है, आर्थिक समीक्षा पढ़ना है, खनिज पढ़ने हैं, खनिज संसाधन,
और कृषि संसाधन जैसे कृषि उत्पादन जो होते हैं, चावल गेहूं ये सब देख लेना इकोनॉमी में। बाकी ये करंट से कंप्लीट हो जाता है, बहुत अधिक इसमें नहीं पढ़ना रहता है। मैथ में आप जानते हैं 10-11 क्वेश्चन आते हैं, जिन लोगों का मैथ ठीक ठाक है वो इस पर ज्यादा टाइम दे, नहीं ठीक ठाक है तो 10 क्वेश्चन में तुक्का भी मारते हैं तो 4 के करीब सही निकल ही जाते हैं। तो इसमें आपकी मर्जी है, आप कितना करना चाहते हैं उतना करिएगा। हम बात करते हैं करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन के लिए। अगर करंट के क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। तो करंट तो आपको किसी भी सूरत में तैयार करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और प्री और मेंस दोनों के हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसे नोट करें, रेगुलर नोट करना है। एक न्यूज़पेपर कोई भी आप पढ़िएगा, ये करंट में हो गया। और करंट में मैगजीन एक आपको लेनी है, आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, दृष्टि ले सकते हैं और पीडी ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल ले सकते हैं, कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं। और करंट में किसी का भी वीडियो जो आपको सही लगता हो, करंट सबकी एक जैसी होती है, आपको समझने में जो ज्यादा अच्छा लगता हो वो वीडियो आप करंट पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की, ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन है प्री में भी और मेंस में भी। प्री और मेंस दोनों के लिए अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो बुक में आप बर्णवाल पढ़ सकते हैं या पैनोरामा पढ़ सकते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए बता रही हूँ, बर्णवाल पढ़ सकते हैं या पैनोरामा पढ़ सकते हैं। और सिर्फ प्री के लिए करना है तो वीडियो की सीरीज हमने शुरू की है, वीडियो श्रृंखला मैंने भी शुरू कर दी है, आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाया है बिहार स्पेशल पे, जो मैं चला रही हूँ सीरीज यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं। बिहार स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा। अभी शुरू की है, अभी एक ही वीडियो डला है, लेकिन पर डे आपको वीडियो मिलेगा। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि बिहार स्पेशल में प्री के लिए जितना जो हो सकता है वो मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, आपको मानचित्र से आपको पूरा समझाने का ही नहीं, याद कराने का भी पूरा प्रयास करूंगी, ताकि आपको कहीं से भी ना पढ़ना पड़े, आपको याद हो जाए। बाकी बुक पढ़ना आपके लिए ठीक है, आप मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं बुक पढ़िए, पर प्री के लिए, आप सिर्फ प्री के लिए देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पर्याप्त रहेगा। और भविष्य में मैं मेंस के लिए भी बनाऊंगी, लेकिन अभी चूंकि प्री के लिए और डायग्राम के थ्रू बना रही हूँ। हालांकि वो डायग्राम पे जो वीडियो बनेंगे वो आपको मेंस में भी काम आएंगे, लेकिन मेंस में आपको थोड़ी सी बुक्स का भी सहारा लेना होगा, पर प्री के लिए आप केवल वीडियो देखकर भी काम चला सकते हैं। इन सब के साथ साथ आपको एक चीज और करनी है, क्या करना है, आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज जिसे बोल सकते हैं किसी भी तरह। इसे मैं मिटा के यहां समझाती हूँ आपको थोड़ा सा। आपको क्या करना है प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, और प्री में एक चीज बता दूं, प्री या मेंस जैसा भी आप जब भी पढ़िएगा, जो भी आप टारगेट बनाए, करंट आपको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ये भी आपको रोज पढ़ना है बिहार स्पेशल, ये आपको रोज एक बार पढ़ना ही है, चाहे वीडियो देखें चाहे पढ़ें जैसे भी हो। और सब्जेक्ट पे आप दो 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 लेकर चलिए, दो दो सब्जेक्ट पर डे पढ़िए आप। इससे क्या होगा कि आप दो दो सब्जेक्ट जब डेली पढ़ेंगे तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। जैसे हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी ले सकते हैं, साइंस के साथ ज्योग्राफी ले सकते हैं, दो दो घंटे या तीन तीन घंटे जो भी आप समय निर्धारित करते हो
उस हिसाब से टाइम निर्धारित करिए। मुझे लगता है आपको दो दो सब्जेक्ट डेली लेके चलना चाहिए ताकि आप बोर ना हो, आपको मजा आता रहे पढ़ने में। बाकी आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आप एक एक खत्म करना चाहते हैं तो एक एक पढ़ सकते हैं। हम बात करने वाले थे टेस्ट पर, टेस्ट प्री मेंस। प्री के लिए आप क्या करें, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज देना दे रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो ग्रुप के साथ कर सकते हैं प्रैक्टिस, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों ही सुविधा नहीं है तो फिर आप सेल्फ पुराने पेपर और पिछले आए हुए प्रश्नों से या मार्केट में जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहे आप उनसे कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई दे रहा है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो प्री के लिए कर सकते हैं। मेंस के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आपको रोज या हफ्ते में कम से कम दो, अभी जब तक प्री नहीं हुआ है, प्री से पहले सप्ताह में दो या तीन प्रश्न लिखने हैं। कैसे, आप या तो पुराने पेपर ले लीजिए, पुराने पेपर से आए हुए प्रश्न लिखिए, या आप देखिएगा न्यूज़पेपर में जो भी ऐसा निकलता है या मैगजीन में कोई टॉपिक निकलता है आप उसको पढ़ के उसका सारांश लिखिए। उसका सारांश लिखने की कोशिश करिए, किसका, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको बिना देखे पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से मैगजीन से या न्यूज़पेपर से आर्टिकल, फिर उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करिए एक समरी के रूप में, तो आपको लिखने की आदत होने लगेगी, आपका लिखने का जो शुरुआत है वो हो जाएगी। तो ये आप जरूर करिएगा। और अगर कहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज करवा रहा है, कोई डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा है तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं भी चला रही हूँ तो आप मेरे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7277771065। इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी करके जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए, पढ़ाई करें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम फिर बाकी जो जो बातें होंगी फिर करेंगे। अभी आप इस तरह से पढ़ाई शुरू करिए क्योंकि समय अब कम बचा है। आप की मजबूती के लिए आपको तैयारी करनी होगी। आप कोई आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किसी के यहाँ ज्वाइन करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिखना जरूर है। आप स्वयं में अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, घर में लिखिए पर लिखिए जरूर। बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहिएगा, जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।